नमस्ते, मैं संगीता स्वागत करती हूँ आपके आज न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अपने घर में स्वस्थ और मस्त होंगे और एकदम फिट होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है, आपको पिछले ब्लॉग से पता चला होगा, हम विशाखापट्टनम से उत्तराखंड के लिए निकल चुके हैं। और उस ब्लॉग में मैंने दिखाया था आप लोगों को, विशाखापट्टनम से हम उड़ीसा रुके थे और उड़ीसा से जो है हम दिल्ली के लिए निकले। तो अभी हम दिल्ली पहुंच चुके हैं। अभी टाइम हो रहा है 9:30, तो 9:30 बजे जो है दिल्ली बस पहुंचने वाले हैं। एक दो मिनट हैं, तो आप देख सकते हैं हमने तैयारी कर रखी है निकलने की। और ये देखिए, यहाँ पे इसके पापा इशू बिबू, और देखिए सफ़र में हालत जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, आपको पता लग रहा होगा। तो ये देखिए, और आपको बता दूँ इशू के पापा जो हैं यहीं तक हमारे साथ हैं, और अब आगे पे हमें मिलने के हमें लेने के लिए मेरे देवर, और हाँ मेरे दोनों देवर आ चुके हैं। और यहाँ से जो है ये निकल जाएंगे अपनी ड्यूटी के लिए, फिर इनको वापस जाना है। तो कहाँ जाना है ये मैं आप लोगों को नहीं बता सकती, और हम चलेंगे आगे। तो ये देखिए, 12 साल हो गए हमें दिल्ली आते जाते, दिल्ली में भी हमने बहुत कुछ किया है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, हम दिल्ली पहुंच चुके हैं, और ये हैं मेरे दोनों देवर, और बच्चे भी चले गए हैं उनके पास। और यहाँ पे उसके पापा निकाल रहे हैं सबके कपड़े जो कि हमने घर से मंगवाए थे, गर्म कपड़े। तो अभी हम आए हैं ढाबे पे, पंजाबी ढाबा, खाना खाने। और अभी टाइम हो रहा है 10:30 से ऊपर हो गया है रात के। तो अब इसके बाद खाना, और फौजी साहब भी लग गए खाना खाने, खाने पे एकदम से टूट पड़े हैं अभी। और उसके चाचा लोग इन पे कपड़े पहना रहे हैं दोनों पे। दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड है, तो मैं भी खाना खा लेती हूँ। मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए बाय बाय। तो फ्रेंड्स ये देखिए, आ गए हैं हम सब पहाड़ी लुक में अपने अपने गर्म कपड़ों। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये हम चले दिल्ली बस अड्डे पे, यहाँ पे हमारी बस लगती है, और यहाँ से हमें निकलना था फिर देहरादून के लिए। और आप देख सकते हो यहाँ पे इशू के पापा, मेरे देवर और सब बैग लिए हुए आगे चल रहे हैं, और ये हूँ मैं। और इसी टाइम इसके पापा भी चल गए थे फिर से वापस दिल्ली से ही, और हम बस से गए थे। और ये देखिए प्रकृति का बहुत ही सुंदर नज़ारा, मसूरी जिसे पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है, पहाड़ों की रानी से ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और आप देख सकते हो यहाँ पे जो जितने भी ये मकान बन रखे हैं ना, ये पूरे पहाड़ों पे, मतलब ऐसे पहाड़ों पे बने हुए हैं। और
ये जो बेचारे कारीगर रहते होंगे बनाने वाले, इनकी हम ये सल्यूट के लायक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खतरे का काम है ऐसे पहाड़ों पे घर बनाना, मकान होटल्स वगैरह वगैरह बनाना सब कुछ। तो बस से ही मैंने थोड़ा बहुत ये शूट किया है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा घना जंगल, मतलब बांज ग्रास पेड़ पौधे आपको सब चीज़ देखने को मिल जाएगा। तो ये देखिए और ये देखिए, ये मैं घर पहुँच चुकी हूँ अपने, और आप देख सकते हो मेरी जो है हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी, क्योंकि 4 दिन का सफ़र था। चौथे दिन हम शाम को पहुँचे लगभग, उस टाइम 4 से 5 टाइम हो रहा था, 4:30 टाइम टाइम हो रहा था, और मेरी हालत ख़राब हो गई थी। आप देख सकते हो बच्चे भी पूरे एकदम सब ढीले पड़ गए थे। और यहाँ पे देखिए मम्मी जी और मम्मी जी की माँ जी और मेरी ननंद बैठी हुई है, और ये है नानी जिनको मैं अभी नमस्ते कर रही हूँ, और उधर से उसकी दादी बैठी है और दादी के पास है इशू। तो ये देखिए, और ये है ननंद, मेरी ननंद सागर ननंद, और मम्मी जी को जो है मैं नीचे ही मिल चुकी थी, क्योंकि वह हमें लेने जो है नीचे आ रही। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तो अभी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत जो है ख़राब हो रही है।